हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हमेशा से इस चैनल पर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। लाइब्रेरी साइंस के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में हम यहां पढ़ते हैं, जैसे कि कोलन क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉमन आइसोलेट का चैप्टर करवाया था, जो कि कोलन क्लासिफिकेशन का सेकंड चैप्टर है, उसमें हमने ये आधा चैप्टर किया था। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आधा बाकी का चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे, तो ये वीडियो उसी के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पेज है जो कि 2.5 नंबर पेज पर है, किसके? कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन के। तो ये जो फर्स्ट जो पेज है ये हमने उस दिन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम इसके अगले पेज पर जो हमें दिया गया है ये चैप्टर, ये हम करेंगे कि इसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। सोल्व कैसे किया जाता है, क्या मतलब है कि अगर हमें किसी टाइटल में इन सभी वर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड मिल जाता है या ये वर्ड मिल जाते हैं, तो उनका कोड हम ये लगा देंगे जो इनके सामने दिया गया है। लेकिन उन कोड को लगाना कैसे है, किस सिंबल के साथ लगाना है या कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, ये सारा कुछ हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो हमने इसमें पार्ट किया था, इसका आधा पार्ट, वहाँ ऊपर लिखा गया था एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैक्ट, यानी कि स्पेस फैक्ट से, स्पेस से हमें पहले इन चीज़ों को लिखना होता है। आगे हम जब चलते हैं तो यहाँ हमें दिया गया है एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फैक्ट, यानी कि स्पेस फैक्ट के बाद हमें इन जो ये कोड दिए गए हैं आगे हमें वो जोड़ने हैं। तो यहाँ पे हमें वैसे तो दो ही वर्ड दिए गए हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और एक है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इनके दो कोड दिए गए हैं आर और एस, इन दोनों को किस तरह लगाने हैं हम टाइटल के अंदर देखते हैं। तो ये हमारा टाइटल है, सबसे पहला टाइटल कॉमन आइसोलेट का, टाइटल का नाम है, टाइटल है एजुकेशन इन मध्य प्रदेश एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ आप जब वर्ड हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट वर्ड हमें दे दिया गया है, जो कि हमें कोलन आइसोलेट के अंदर, कॉमन आइसोलेट के अंदर दिया गया है। सबसे पहला इसके अंदर कहाँ दिया गया है, आफ्टर स्पेस फैक्ट के अंदर, ठीक है। आर है इसका कोड, तो यहाँ एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, ये आर इसका कोड है, ओके। इसके बाद हमें जो आगे वर्ड दिए गए हैं वो है, एक तो है एजुकेशन और एक है मध्य प्रदेश। तो यहाँ हम अगर ध्यान से देखें, पिछली वीडियो आई होप आपने देख ली होगी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारा इस बुक के अंदर एक चैप्टर होता है स्पेस आइसोलेट नाम से। स्पेस आइसोलेट में वर्ल्ड की जितनी भी जगहें हैं वो सारा कुछ उसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे मध्य प्रदेश वर्ड हमें मिलता है, तो उसका जो कोड है हम स्पेस आइसोलेट में से लेके आएंगे। तो स्पेस आइसोलेट में हम चलते हैं कॉमन आइसोलेट कोलन जो क्लासिफिकेशन है उसके 6th एडिशन में। तो ये हमें स्पेस आइसोलेट दिया गया है। अब यहाँ हम मध्य प्रदेश अगर देखें, जो कि हमें इसमें दिया गया है, तो मध्य प्रदेश ढूंढना बहुत ही हार्ड है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कॉमन ये स्पेस आइसोलेट के बाद में जो स्पेस आइसोलेट को, इसमें तो आपको नंबर वाइज दिया गया है, 1 से लेके लास्ट जो भी नंबर आता है वो हमें दिया गया है। इसके बाद जब हम देखते हैं 2.17 पे ये पेज पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, 2.18 पेज पर जम जाते हैं, तो यहाँ दिया गया है जियोग्राफिकल इंडेक्स। यहाँ पे वही चीज़ें जो स्पेस आइसोलेट में हमें दिए गए हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अल्फाबेटिकल रो में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कोड क्या है। तो यहाँ जैसे ए आ गया, उसके बाद बी आ गया, इसके बाद सी आ गया, तो हमें एम पे जाना है। मध्य प्रदेश की स्पेलिंग एम से होती है, यहाँ हम एम पे गए, एम पे हमें देखनी है मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य भारत आ गया, ये मध्य प्रदेश दिया गया। यहाँ हमें इसके दो कोड मिलते हैं 4471 और 445, लेकिन इसमें से लगाना कौन सा है, सही कौन सा है। तो हम वापस हमारे चैप्टर में जाते हैं। जब मैंने आपको एक वीडियो में ये चैप्टर करवाया था, कौन सा चैप्टर, ये जो स्पेस आइसोलेट का, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ये जो स्टार्टिंग के सारे चैप्टर हैं वो करवा दिए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको स्पेस आइसोलेट का कुछ पार्ट जो है वो काट देना है, ये मैंने कटवाया था। तो हम यहाँ जैसे मध्य प्रदेश के दो कोड मिले हैं, अगर इनमें से कोई एक कोड इस कटे हुए भाग में से आता है तो वो कोड हमें नहीं लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कोड दिया गया है 4471, तो 4471 हम इसमें देखें, कटे हुए भाग में ही मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए 4471 यहाँ दे दिया गया है, सेंट्रल प्रोवाइज,
मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये कोड जो है हमें नहीं लेना, दूसरा कोड हमें क्या दिया गया है, 4455। ये हम देखते हैं 4455 कहाँ दिया गया, ये देखिए यहाँ मिलता है 4455 मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये जो कोड दिया गया है मध्य प्रदेश का 4455 पेज नंबर 2.12 पर, ये हमें लेना होगा। यहाँ हम लिख देते हैं एक बार 4455, ठीक है। इसके बाद हमें एक वर्ड मिलता है एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए हम क्या करेंगे, एजुकेशन वर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, एजुकेशन के लिए हमें एक चैप्टर दिया गया है एजुकेशन, यहाँ हमारी मेन क्लास होगी, ये देखिए मैं आपको बताऊँ, ये देखिए टी जो चैप्टर है टी, ये एजुकेशन का चैप्टर है। वैसे हमारे जो चैप्टर हैं अभी तक मेरे ख्याल से LX तक हमने कर लिए, आगे के चैप्टर मैंने आपको करवाए नहीं है, धीरे धीरे मैं आपको वो चैप्टर भी करवा दूंगा, लेकिन यहाँ आपको एजुकेशन की बात कही जा रही है इस टाइटल में, जो कि एक मेन क्लास है, जो कि एक सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट की मेन क्लास है टी। तो यहाँ सबसे पहले हमें टी लगा देना है, ये इसकी मेन क्लास है, मेन क्लास सबसे पहले आती है, ये मैंने आपको सभी वीडियोज़ में बताई है, मेरे ख्याल से आप अब तक समझ गए होंगे अगर आपने सारी वीडियोज़ देख ली है। तो मेन क्लास सबसे पहले लगती है, जो कि एजुकेशन की मेन क्लास है टी। उसके बाद हमें दिया गया है मध्य प्रदेश का कोड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट। तो यहाँ हम देखें तो सबसे पहले 4455 लिखेगा या हमें लगाना है आर, तो पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, वो सारी चीज़ें हमें जो ये कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है यहाँ सब कुछ हमें दिया गया है कि कौन सी चीज़ पहले लगानी है कौन सी चीज़ बाद में। मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपको पहले लिखनी है कौन सी बाद में लिखनी है। तो ये जो बुक है कॉमन कोलन क्लासिफिकेशन की, ये एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो आपके पास में होगी, ये बुक आपके पास रहेगी, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे रूल, सारे की सारी जानकारियाँ जो भी हैं, इसके नियम हैं, वो सारे इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं। आपको ये वीडियो क्यों करवाई जा रही है, अब आपको होगे कि जब सारा कुछ इसके अंदर लिखा गया है तो हमें ये वीडियोज़ क्यों लगाई जा रही है, या कॉलेज के द्वारा जो क्लासेस चलाई जाती हैं वो क्लासेस क्यों लगती हैं जब सारा कुछ इसमें लिखा गया है। तो क्लासेस इसलिए लगाई जाती हैं ताकि उन आंसर को, उन नियम को, उन रूल्स को आपको इसके अंदर से कैसे ढूंढना है, कहाँ से उठाना है, कैसे कैसे उनको फॉलो करके अपना आंसर बनाना है, उसके लिए ये वीडियोस बनाई गई है। और आपकी जो कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज से जो क्लासेस आपको दी जाती हैं वो भी इसी पर्पज़ से दी जाती हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा रूल कैसे लगाना है, उसको फॉलो करके कैसे आपको आंसर बनाना है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि आपको मध्य प्रदेश का पहले लगाना है या एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट का कोड पहले लगाना है। तो यहाँ जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ऊपर एक लाइन दी गई है, ओनली आफ्टर स्पेस फैक्ट, यानी कि स्पेस फैक्ट के बाद में आएगी। स्पेस फैक्ट यहाँ दिया गया है, स्पेस फैक्ट का मतलब है स्पेस आइसोलेट से जो आप कोड लेके आए हैं, उस कोड के बाद में आपको इस कॉमन आइसोलेट का ये जो कोड है वो लगाना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए तो हम ये कॉमन जो स्पेस आइसोलेट का चैप्टर है वहाँ से हम ये लेके आएंगे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 4455। लेकिन जैसा कि मैंने आपको हर वीडियोस में बताया है कि जो इनका सिंबल होता है कनेक्टिव सिंबल, वो आपको लगाना ज़रूरी है। तो स्पेस आइसोलेट का हमने जो सिंबल है वो पढ़ा हुआ है कि उसका डॉट होता है, स्पेस आइसोलेट की का कोड शुरू करने से पहले आपको उसका कनेक्टिव सिंबल यानी कि डॉट लगाना होता है, वो आप लगा देंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट का कोड आएगा, ये आ जाएगा आर। इसको आपको सीधा लगा देना है, किसी भी सिंबल के साथ नहीं लगाना है, कोई सिंबल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है और कहाँ लगाना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो कॉमन आइसोलेट है इसको हिंदी में कहा जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सामान्य एकल कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमें दो एकल दी गई है, इन यानी कि इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया है। पहला होता है पूर्ववर्ती सामान्य एकल, यानी कि ये जो आपको दिया गया है एक, ये दो और ये तीन, यानी कि जो 21 है, 22 है और 23 है, ठीक है। ये दोनों ये तीनों जो हैं वो है पूर्ववर्ती सामान्य एकल, ठीक है। आपको इन तीनों के अंदर कोई भी सिंबल नहीं लगाना है। उसके बाद हमें दी गई है परवर्ती सामान्य एकल, ठीक है। परवर्ती जो सामान्य एकल है वो भी तीन है, होती हैं वैसे तो, यहाँ आपको दो दी गई हैं, एक तो है 25, एक है 27, ठीक है। अब तीसरी जो है वो आपको जो इसका कोलन क्लासिफिकेशन का जो 7th एडिशन है उसके अंदर मिलती है। ये जैसे इसमें पहली ये है एनर्जी कॉमन आइसोलेट, ये है पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट, और जो तीसरी होती है इसमें वो
मैटर कॉमन आइसोलेट होती है वो आपको 7th एडिशन में मिलती है, लेकिन 7th एडिशन हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको सिर्फ ये दो चीज़ें ही ध्यान में रखनी है। इन दोनों चीज़ों में आपको सिंबल लगाना है, जैसे ये एनर्जी कॉमन आइसोलेट है तो यहाँ पे एनर्जी का सिंबल लगेगा, ये पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट है तो यहाँ पे पर्सनैलिटी का यानी कि पी का जो कोमा होता है सिंबल होता है वो आपको लगाना है, यहाँ पे कोलन होता है यहाँ पे कोमा होता है, ठीक है वो आपको लगाना है। लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं तो इस पे ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको, आर से पहले आपको कोई भी सिंबल नहीं लगाना है, पूर्ववर्ती सामान्य एकल के अंदर कोई भी सिंबल नहीं लगाना होता, ठीक है। उसके बाद ये जो टाइटल है हमारा, उसका टाइटल का आंसर ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें तीन ही वर्ड दिए गए हैं मेन, तो एजुकेशन मध्य प्रदेश और एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट, उन तीनों के कोड आ गए हैं T4455 और R, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो हमें टाइटल दिया गया है वो हम कर लेते हैं। इसमें अगला टाइटल है एलिमेंट्री स्कूल ऑफ पंजाब, ये पंजाब की स्पेलिंग अजीब सी लग रही है, हाँ सॉरी ये जी आएगा, हाँ एलिमेंट्री स्कूल ऑफ पंजाब अ सर्वे 1991 का सर्वे दिया गया है। क्या सर्वे है? एलिमेंट्री स्कूल ऑफ पंजाब, पंजाब के एलिमेंट्री स्कूल के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पे हम वर्ड देखें तो एक एलिमेंट्री स्कूल दे दिया गया है, एक पंजाब दे दिया गया है और एक दिया गया है सर्वे, तो एक हमें मिलता है यहाँ पे टाइम जो कि है 1991, अब आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। अब एलिमेंट्री यहाँ पे हम जैसे देखें तो ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है, ये हमारा स्पेस हो गया और ये सर्वे है। सर्वे हम देखें तो कॉमन आइसोलेट में हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं कॉमन आइसोलेट के अंदर कहाँ दिया गया है, जैसे हम देखेंगे इसके अंदर तो ये रहा सर्वे आपको यहाँ दिया गया, T4 इसका कोड है, ठीक है, ये कॉमन आइसोलेट से है, इसका T4 है, ठीक है। ये स्पेस आइसोलेट है तो स्पेस आइसोलेट में से इसका हम कोड लेके आएंगे। पंजाब के लिए आपको सबसे पहले जियोग्राफिकल इंडेक्स में जाना होगा, वहाँ पी पे देखेंगे कि पंजाब का क्या कोड दिया गया है, पी देखें तो PU, ये देखिए पंजाब दिया गया है, 4436 इसका कोड है। यहाँ हम देख लेंगे ये जो हमें कटवाया गया पार्ट है उसके अंदर तो नहीं है, 4436 इसका कोड है, 4436 इसमें देखें तो 4436 4435 आ गया, 4436 देखिए इसमें कटवाया हो गया आपको, ठीक है। अब बिना जो आपको भाग नहीं कटवाएगा उसमें अगर हम पंजाब का कोड देखें तो हमें क्या मिलता है, ये 4443 मिलता है इसमें पंजाब का, ये पंजाब ईस्ट दिया गया है, ठीक है, इसका आपको कोड लगा देना है, क्या है पंजाब आ गया, अभी हमने देखा था पंजाब, ठीक है 4437, जो ये 44Q77 है ये नहीं लगाना है आपको, 4443 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4443 पंजाब का, ठीक है, ये स्पेस है, ये टाइम है। अब टाइम कैसे निकालना है आपको, टाइम का कोड कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो उस वीडियो में बताया था जहाँ पे मैंने आपको स्पेस आइसोलेट, टाइम आइसोलेट, कॉमन आइसोलेट और जो मेन क्लासेस हैं उनका चैप्टर एक करवाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो के भी देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो टाइम आइसोलेट के लिए आपको टाइम आइसोलेट के चैप्टर में जाना होगा, टाइम आइसोलेट का चैप्टर कहाँ है, ये जो कॉमन आइसोलेट का चैप्टर है ये 2.5 नंबर पेज पर है और टाइम आइसोलेट का चैप्टर है वो जो 2.7 नंबर पेज पर है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया गया है, पहले तो सन देखें हम, सन हमें क्या दिया गया है, सन है ये 1991, तो यहाँ हमें देखें तो अगर आपको 1900 से 1999 तक कोई भी कोड दिया गया है तो आपको वहाँ एन लिखना है, ठीक है, यहाँ हम एन लिख देंगे पहले, उसके बाद आपको जो सन दिया गया है वो आप लगा देंगे एज इट इज़ 91, ठीक है, ये कोड हो गया इसका। अब आगे रह कौन सा गया, इसका T4 हो गया, इसका हो गया एलिमेंट्री स्कूल का कोड रह गया है, तो एलिमेंट्री स्कूल का हम एक तरह से देखें तो ये एक एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है, एजुकेशन का पार्ट है, तो एजुकेशन के पार्ट के लिए हमें वापस एजुकेशन के चैप्टर में जाना होगा। एजुकेशन का चैप्टर मैंने आपको बताया था कि टी उसका एजुकेशन का चैप्टर है, ये टी हम इसके अंदर आ गए हैं। अब यहाँ हमें देखना है कि स्कूल वर्ड हमें कहाँ मिलता है, तो हम इस चैप्टर में अगर देखें तो स्कूल वर्ड हमें यहाँ मिलता है एलिमेंट्री स्कूल, सॉरी एलिमेंट्री स्कूल का कोड हमें 15 दिया गया है, ठीक है, तो एलिमेंट्री का जो कोड हमें 15 दिया, कहाँ दिया गया है टी के अंदर, तो यहाँ हम देखें तो मेन क्लास हमारी यहाँ निकल चुकी है टी, टी मेन क्लास लगेगी, उसके बाद 15 जो है हमें पी के अंदर दिया गया, ये पर्सनैलिटी है तो उसका कोई कोड नहीं आएगा, सबसे पहले पहले 15 हमने सीधा सीधा लिख दिया। अब उसके बाद हम देखें तो सबसे पहले स्पेस आएगा, कोलन ये कॉमन आइसोलेट आएगा या फिर आएगा टाइम, क्या चीज़ आएगा, तो यहाँ हम देखें
स्पेस और टाइम में से तो हमें पता ही है कि सबसे पहले स्पेस आता है, उसके बाद टाइम आता है। यहाँ अगर हम देखें तो इसमें हमने सर्वे यहाँ से लिया है और सर्वे के ऊपर लिखा गया एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फैक्ट। आफ्टर टाइम फैक्ट यानी कि आपको टाइम फैक्ट के बाद में लगाना है, टाइम के बाद में। तो सबसे पहले स्पेस हम लगा देंगे, इसका कनेक्टिव सिंबल 4443, उसके बाद ये लगा देंगे हम टाइम N91, उसके बाद हमें ये लगाना है सर्वे का T4, ठीक है। तो इसमें कोई भी सिंबल आपको नहीं लगाना है, ठीक है, कोई भी सिंबल आप नहीं लगाएंगे और ये हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ पंजाब और सर्वे 1991 का T15443 N91 T4। अगला जो टाइटल है, अगले टाइटल पर हम चलें। अगला टाइटल हमें दिया गया है रिसर्च इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा टाइटल ही है, बिल्कुल आसान टाइटल है, हम कर लेंगे इसको। लाइब्रेरी साइंस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक मेन क्लास होती है जिसका कोड होता है टू। ये चैप्टर है हमारा लाइब्रेरी साइंस, उसकी मेन क्लास होती है टू होती है, ठीक है। उसके बाद हमें रिसर्च वर्ड दिया गया है, तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि रिसर्च वर्ड हमें कहाँ मिलता है। जैसे इसमें हम देखें तो रिसर्च वर्ड हम देखें, इसमें हमें देखना होगा कि रिसर्च कहाँ है। इस चैप्टर में हमें रिसर्च वर्ड कहीं नहीं मिलता, आप देख सकते हैं, ना इस तरफ है ना ही पीछे की तरफ है। वैसे पीछे का चैप्टर हमें अभी करना भी नहीं है, पिछली वीडियो में हो चुका है। यहाँ हमें रिसर्च वर्ड कहीं नहीं मिलता, लेकिन आपको रिसर्च वर्ड का कोड तो लगाना ही होगा। वो लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एक चीज़ ऐड करनी होगी। यहाँ हम देखें एनर्जी कॉमन आइसोलेट आपको दिया गया है, आपकी बुक में आप देख सकते हैं 2.6 नंबर पेज पर। यहाँ इसमें एक वर्ड दिया गया है इन्वेस्टिगेशन। वैसे एक चीज़ हम देखें, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च दोनों एक ही वर्ड होते हैं एक तरह से हम देखें तो यहाँ आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ में रिसर्च वर्ड लिख लेना है। यानी कि रिसर्च अगर आपके पास में कभी भी किसी टाइटल में आ जाता है तो उसका कोड जो है वो आप कॉमन आइसोलेट से लेके F कोड उसका लगाएंगे, जो कि इन्वेस्टिगेशन के सामने दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसकी मेन क्लास हो गई टू और रिसर्च का कोड हो गया स्मॉल F। स्मॉल F ही लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ हमने स्मॉल T लगाया तो स्मॉल T ही लगाना है। कैपिटल में अगर T आप लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ अगर आप कैपिटल में F लगा देते हैं तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, एग्जामिनर आंसर को गलत कर देगा। यहाँ सबसे पहले हम मेन क्लास लगा देंगे टू और उसके बाद ये लगा देंगे F। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर एनर्जी कॉमन आइसोलेट और पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट में से कोई भी कोड का, कोई भी वर्ड का कोड अगर आपको लगाना हो तो उसके साथ में आपको उसका कनेक्टिव सिंबल लगाना होगा। किसका कनेक्टिव सिंबल, अगर एनर्जी से लिया है तो एनर्जी का कनेक्टिव सिंबल कोलन, अगर पर्सनैलिटी से लिया है तो पर्सनैलिटी का सिंबल लगाना है आपको कॉमन। यहाँ हम एनर्जी से ले रहे हैं ये कोड, तो इसमें हम कोलन लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रिसर्च ऑफ लाइब्रेरी साइंस टू कोलन F। आगे हमें एक टाइटल दिया गया, 4 नंबर टाइटल है कैलकुलेशन द डिस्परेशन ऑफ द गामा रेज, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा टाइटल है, अजीब अजीब वर्ड दिए हैं। वैसे वर्ड कौन से है, कैलकुलेशन डिस्परेशन गामा रेज, ठीक है। ये तीन वर्ड है, कैलकुलेशन डिस्परेशन और गामा रेज, ठीक है। यहाँ हमें देखना है कि कॉमन आइसोलेट में इसमें से कौन सा वर्ड हमें मिलता है, कौन सा वर्ड मिलेगा इसमें हमें। कैलकुलेटिंग जो वर्ड है वो सामने सामने ऊपर ऊपर सबसे पहला पहला मिल जाता है, कहाँ, एनर्जी कॉमन आइसोलेट के अंदर। तो इसका कोड जो है वो B1 होता है। अब यहाँ कैलकुलेटिंग का तो मिल गया है कोड, उसके बाद हम अगर ये वर्ड देखें डिस्परेशन और गामा रेज, तो यहाँ मान लीजिए मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, डिस्परेशन कहाँ आता है, गामा रेज कहाँ आती है, कौन से सब्जेक्ट में ये आती हैं, कहाँ इसका कोड मिलेगा, कैसे लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको पहले भी कई बार बताया गया है कि आपको जो सेकंड पार्ट है, किसका सेकंड पार्ट, कॉमन आइसोलेट का, सॉरी कोलन क्लासिफिकेशन की बुक का जो आपका सेकंड पार्ट है ये टू शेड्यूल का, इसके बिल्कुल लास्ट में आपको एक चैप्टर दिया गया है इंडेक्स नाम से। वहाँ आपको टोटल ए से लेके जेड तक सभी वर्ड मिल जाते हैं लगभग, जो कि आपको इस बुक के अंदर दिए गए हैं। कौन सी बुक के अंदर, कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन के अंदर। तो वहाँ हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक तो ये डिस्परेशन वर्ड कहाँ मिलता है और एक गामा रेज वर्ड कहाँ मिलता है। उसके लिए हम पीछे इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में आपको ए से शुरू हो जाता है, इंडेक्स दिया गया है इंडेक्स ऑफ शेड्यूल, ए से वर्ड शुरू हो जाते हैं। इसमें हम देखेंगे ये
डिस्प्रेशन वर्ड कहाँ दिया गया। तो यहाँ हमें डी पे देखना है, ए के बाद बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, तो डी पे हमें देखना है डिस्प्रेशन वर्ड, डिस्प्रेशन इसमें दिया गया है। डिस्प्रेशन ये देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा, ये वर्ड दिया गया है डिस्प्रेशन। ये बता रहे हैं इसमें कि आपको C5 में जाना है, C5 की E में जाएंगे तो वहाँ आपको 3 पे मिलेगा डिस्प्रेशन। यहाँ हम C की मेन क्लास में जाएंगे, ये C की मेन क्लास में आ गए हैं, इसमें आपको C5 में जाना है जैसा कि आपको बताया जा रहा है। C6 हो गई, C5 हो गई रेडिएशन की क्लास है, इसके अंदर हम जाएंगे आगे। हमें इकम टूपी में बताया गया है 3 नंबर पे, ये रहा डिस्प्रेशन, देखिए आपको मिल जाता है ना। यहाँ हम लिख देंगे एक बार कि C5 में है, ई में 3, ठीक है। अब आगे हमें गामा रेज देखना है, तो गामा रेज के लिए हम जी में जाएंगे, इसमें हमें ये देखिए गामा यहाँ मिलता है, ये रहा गामा फंक्शन दिया गया है, लेकिन हमें गामा रेज देखनी है, तो यहाँ हमें नीचे मिलता है रे, गामा रे, जो कि हमें C5 के पी में 4 नंबर पे मिलता है। वापस हम सी के चैप्टर में जाएंगे, C5 में पी में 4 पे मिलता है, ये 4 इसका दिया गया है गामा, तो यहाँ हम लिख देंगे C5 में हमें मिला है पी में 4 नंबर पे। अब देखें तो यहाँ पे C5 यहाँ दोनों में आ रहा है, तो मेन क्लास जो हमारी होगी वो C5 ही होगी, इसकी रेडिएशन की, फिजिक्स के चैप्टर में रेडिएशन की क्लास है, सी फिजिक्स है, 5 रेडिएशन का है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी चीज़ पहले लगी कौन सी बाद में, तो यहाँ हम देखें तो ये जो कैलकुलेटिंग है ये हमें एनर्जी कॉमन आइसोलेट से मिला है, तो ये कॉमन एनर्जी है, तो ये पी के बाद में ही आएगी, सबसे पहले हम पी लगा देंगे इसमें, यहाँ पे हमें 4 दिया गया है, 4 हम लगा देंगे बिना किसी सिंबल के, जैसा कि फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हमें सीधा ये लगा, अब ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो पहले कौन सी लगानी है, पहले आपको ये लगानी है जो कि हमें चैप्टर में से मिली है, तो कोलन लगा के हम यहाँ 3 लगा देंगे, उसके बाद ये लगाएंगे B1। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एनर्जी कॉमन आइसोलेट का सिंबल लगाना होगा, सिंबल हम लगा देंगे। अब कोलन आप कहेंगे कि पहले आ चुका है दोबारा क्यों लगाना है, तो आपको दोबारा लगाना होगा, यही रूल है। ये तो आपको चैप्टर में से जो कोड मिला है वो लगाया है, और ये जो आपको कॉमन आइसोलेट में से कोड मिला है वो लगाया है, तो दोनों के लिए अलग अलग जो सिंबल हैं वो लगाए जाएंगे। उसके बाद अगला हमारा टाइटल है टीचिंग प्रोफेशन, बिल्कुल छोटा सा वर्ड है, टाइटल बिल्कुल छोटा सा है, टीचिंग प्रोफेशन। तो यहाँ पे एक टीचिंग आ गया, एक प्रोफेशन आ गया, दोनों का कोड हम देखेंगे क्या होता है। वैसे टीचिंग का हम देखें तो टीचिंग का तो हमें टी के अंदर मिल जाता है, ये जो टीचिंग है एजुकेशन के अंदर आता है, एजुकेशन का एक पार्ट है टीचिंग, तो इसकी जो मेन क्लास है वो टी हो जाएगी। अब प्रोफेशन का देखना है हमें, प्रोफेशन का कोड क्या होगा, तो हम कॉमन आइसोलेट में जाएंगे, यहाँ हम देखेंगे कि प्रोफेशन हमें कहाँ मिलता है, तो प्रोफेशन हम देखेंगे यहाँ मिल रहा है बी पे, इसका कोड है बी दिया गया है प्रोफेशन का, ठीक है। ये हमें पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट में से मिलती है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इसका जो कोड है ये बी, स्मॉल बी लगाना है आपको, कैपिटल में बी नहीं लगाना है। फिर हम आंसर बनाएंगे, जब इसका आंसर तब सबसे पहले इसकी मेन क्लास लिख देंगे टी, उसके बाद बी जो इसका कोड है, लेकिन उससे पहले आपको कॉमा लगाना होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो पी है, पी से पहले कॉमा जो सिंबल नहीं लगाते, लेकिन आपको यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी कॉमन आइसोलेट से पहले आपको एनर्जी का सिंबल लगाना होगा, चाहे उससे पहले आपने एनर्जी का सिंबल एक बार लगा दिया है तो भी आपको एनर्जी का सिंबल लगाना होगा। उसी तरह ये है, इसमें पी है या नहीं है, आपको पी के लिए कॉमा तो लगाना ही होगा, इस पी के लिए कॉमन आइसोलेट की पी के लिए कॉमा लगाना ही होगा, भले ही आपको टाइटल के अंदर पी दे दिया जाता है तो भी। तो ये 5 टाइटल हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके अंदर जो 4 पार्ट हैं 1, 2, 3, 4, ये चारों पार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल इजी से ही हैं, ज़्यादा इसमें कोई इस मतलब परेशान होने वाली या कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। कई बार ये होता है, हाँ
कि इनसे रिलेटेड मतलब इनके प्राइवेसी कुछ दे दिए जाए इनसे, इनके जैसे जहाँ यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन की जगह रिसर्च वर्ड दे दिया गया था, तो रिसर्च के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन का ही कोड लगाना है, ये मैंने आपको वैसे बता दिया है। उसके अलावा इसमें इस तरह से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, जैसे यहाँ पे इसमें हायर एजुकेशन का कोड आ सकता है, जैसे हायर एजुकेशन का कोड आ सकता है तो वो आप यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी है सारा कुछ इसमें दिया गया है, रिपोर्टिंग का कोड आ गया है, ड्राफ्टिंग का आ गया है कोड, एक्सपेरिमेंट का कोड आ गया है, यहाँ पे डिस्कशन का कोड जो भी है यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये कोड लगा देने हैं जैसे भी आपको टाइटल में आते हैं, ठीक है। अब ये लगभग हमारा चैप्टर ये पूरा हो चुका है, अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा, जो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगला चैप्टर मैं आपको कौन सा करवाऊं। वैसे जो आगे जो चैप्टर ये आपको दिए गए हैं लाइन वाइज ए से लेके जेड तक, ये तो मैं आपको लाइन वाइज करवाऊंगा ही, उसके अलावा बीच में अगर कोई चैप्टर रह गया आपको समझ में नहीं आया तो वो चैप्टर मैं आपको दोबारा बता दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया है दोबारा भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो दोबारा करवाने में मुझे किसी तरह की दिक्कत है, आपको समझ आना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कॉमन आइसोलेट का पूरा चैप्टर हम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और जो ये बुक है कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन की ये बुक है, इसकी पीडीएफ मैंने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इस बुक का लिंक, वहाँ से आप उस बुक के लिंक को देख भी सकते हैं और अपने मोबाइल में लैपटॉप में डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं है, ताकि अगर बाई चांस आपके पास बीच में कभी कभार अगर बुक नहीं होती है तो आप उस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे मेरी ये राय है कि आप इस बुक को परचेज ज़रूर करें, ताकि आपको सॉल्व करने में जो उसके आंसर है वो आसानी हो जाए। पीडीएफ में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बार बार इस पेज पर जाओ फिर इस पेज पर जाओ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी बताया, कॉमन कभी कॉमन आइसोलेट के चैप्टर में जाओ, फिर फिजिक्स के चैप्टर में गए, बीच में एजुकेशन के चैप्टर में गए, बीच में हम लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में चले गए, फिर स्पेस आइसोलेट में चले गए, टाइम आइसोलेट में चले गए, पीडीएफ में कई बार दिक्कत आती है, तो आप हो सके तो बुक ले लें। डीडीसी का मैं ये नहीं कहता कि आप बुक जरूर लें, डीडीसी का ज़रूरी नहीं है बुक लेना, वो मैंने आपको डीडीसी की हर वीडियो में डीडीसी के बुक्स की तीनों वॉल्यूम्स की पीडीएफ दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसके अंदर से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। वैसे दिक्कत तो आती है, लेकिन अगर आप बुक नहीं ले सकते या लेना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, ऐसी कोई उसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है काफ़ी मोटे मोटे ग्रंथ हैं, वो काफ़ी कॉस्टली भी है वो, और आप पीडीएफ में से वो कर सकते हैं। उसके अलावा एक और आप चीज़ कर सकते हैं, पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, और अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता उसका जो उसका वॉल्यूम है उसका प्राइस क्या है, मुझे नॉलेज में नहीं है, मैंने कभी सर्च करके नहीं देखा, तो उसके आप ऐसे कर सकते हैं कि पीडीएफ को फोटोकॉपी करवा सकते हैं, फोटोकॉपी करवाने से जो उसका जो पैसे मतलब है जो रेट वो कम लगेंगे आपके, फोटोकॉपी के जितने भी पैसे लगते हैं वो आपके कम ही लगेंगे, मेरे ख्याल से जितने की वो बुक है उतने रुपए नहीं लगेंगे आपके, तो ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। बाकी आप अगर पीडीएफ से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उसके अलावा अगर आपके कोई नॉलेज में, कोई जानकार में, कोई भी रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, दोस्त में कोई भी लाइब्रेरी साइंस अगर कोई पढ़ रहा है, कोई कर रहा है डिप्लोमा या डिग्री, तो उसको ये चैनल, ये वीडियो, ये लिंक जो है आपके साथ शेयर कर लें, ताकि उनको भी इसे समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता है इसके बारे में क्या क्या है क्या नहीं है, बस वो ये सोच के इसमें एडमिशन ले लेते हैं, अरे लाइब्रेरी में क्या करना है, बस बुक्स आएंगी, उनको बुक्स को रैक में रखना है, कोई मांगेगा तो दे देंगे, चार बुक्स होंगी उसमें कौन सा हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन आपको ये पूरा जो कोलन क्लासिफिकेशन है, डेविड एसनल क्लासिफिकेशन है, जो कैटलॉगिंग है, वो सारी की सारी पढ़नी होगी, तभी आप डिप्लोमा या डिग्री है वो पास कर सकते हैं। जब तक आप डिप्लोमा डिग्री पास नहीं करेंगे, आप एक लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो उनको आप उनके साथ आप शेयर कर लें, ताकि वो आप इसको वो आसानी से पढ़ सकें। और उसके अलावा इसमें बताने वाली कोई चीज़ नहीं थी, जो भी थी मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।